students, welcome to the new year. And we are starting with our class from the Wagner's hypothesis. हम लोग सेकेंड यूनिट पर चल रहे हैं जिसमें कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पर ये यूनिट है और हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टडी कर ली थी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं क्या क्या होते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ के संबंध में कौन कौन सी थ्योरीज हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से होती है. एक्सपेंडिचर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस होता है या वो खर्च होता है जो कि राज्य सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो, सेंटर की हो या लोकल हो, स्थानीय सरकारें जो हैं वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए और इकोनॉमी के लिए खर्च करती हैं और इससे पब्लिक अथॉरिटीज जो है अपने खर्चों या एक्सपेंसेस को मीट करती हैं, या तो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर जो है उनके जो है उनके जितने भी सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये वो यूज करती हैं. वॉल्यूम जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो दिन पर दिन इंक्रीज कर रहा है सारे ही कंट्रीज में, क्योंकि स्टेट की एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज करती जा रही हैं. मैंने आपको ये बात पिछले लेक्चर्स में भी बताई थी कि एडम स्मिथ ने स्टेट को एक नेसेसरी ईवल कहा था. नेसेसरी ईवल का मतलब है कि स्टेट व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है. हालांकि वो ये मानते थे कि स्टेट को जो है इकोनॉमिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए और उन्होंने जिस कंसेप्ट को प्रसारित किया वो था पुलिस स्टेट का कंसेप्ट. पुलिस स्टेट का मतलब है कि वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी है जो कम से कम हस्तक्षेप करती है. उन्हीं के इस व्यू पॉइंट को जेबी से ने आगे बढ़ाया था, जबकि उन्होंने ये कहा था कि सारे बेस्ट प्लान में वो प्लान सबसे अच्छा होता है जिसमें कि बहुत कम खर्चा किया जाता है या सबसे कम खर्चा किया जाता है. केवल 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी पढ़ाया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को इम्पोर्टेंस हासिल हुई कि इकोनॉमी को किस तरीके से रिसेशन से निकाला जाए और इसके लिए गवर्नमेंट को किस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर को करना होगा और गवर्नमेंट को इकोनॉमी का जो है वो डॉक्टर बनकर आगे आना होगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू जो है गवर्नमेंट को इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालना होगा. ये जो चेंज ऑफ एटीट्यूड आया लोगों के दिमाग में या सरकारों के व्यूज में, इसको फैसिलिटेट किया एडोल्फ वैगनर ने. ये जर्मन इकोनॉमिक्स थे और इनके लॉ को हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज या राज्य के कार्यों के बढ़ते हुए नियम के रूप में जानते हैं. बाद में प्रोफेसर आर ए मसग्रेव, जिनकी बुक के बारे में मैंने आपको पब्लिक फाइनेंस में कई बार बताया है कि मसग्रेव से पब्लिक फाइनेंस को बहुत ज्यादा बल मिला. इन्होंने एडवोकेट किया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाना चाहिए और इसकी महत्ता को स्थापित किया. हाउएवर पब्लिक एक्सपेंडिचर की ग्रोथ के लिए तीन तरह की थ्योरी आती है. पहली आती है वैगनर हाइपोथेसिस, दूसरी आती है पीकॉक वाइजमैन थ्योरी और तीसरी आती है कॉलिन क्लार्क हाइपोथेसिस. आज हम जिस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे वो है वैगनर लॉ या वैगनर की हाइपोथेसिस. वैगनर जो है वो एक जर्मन इकोनॉमिक्स थे. इनका पूरा नाम था एडोल्फ वैगनर और 1835 से 1917 के बीच में आए थे और इन्होंने जिस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था या जिस थ्योरी हाइपोथेसिस को दिया था उसे हम वैगनर लॉ या वैगनर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं. और ये थ्योरी 1880 में आई थी. ये बात ध्यान रखिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की महत्ता तो हमें 1930s के बाद पता चली और सरकारों ने उसे अपनाना तब शुरू किया, लेकिन वैगनर ने अपनी थ्योरीज के थ्रू या अपने एम्पिरिकल लॉ के थ्रू ये बहुत पहले स्थापित किया दिया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की इम्पोर्टेंस क्या होती है. बेसिकली वैगनर का जो लॉ है ये एक एम्पिरिकल लॉ है जो एनालाइज करता है और एक्सप्लेन करता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की ग्रोथ का ट्रेंड किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है. एडोल्फ वैगनर ने, हालांकि ये जर्मनी को बिलोंग करते थे लेकिन इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जापान, इन सारे नेशंस की पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्टडी किया और पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्टडी करने के बाद इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे ही कोई देश जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस करता है तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या पब्लिक सेक्टर में जो है बढ़ोतरी हो जाती है या उसकी एक्टिविटीज में बढ़ोतरी हो जाती है. वैगनर के इसी ऑब्जर्वेशन को हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट्स के नाम से जानते हैं और इसीलिए हम इसे वैगनर हाइपोथेसिस या वैगनर का लॉ भी कहते हैं. बेसिकली ये स्टडी जो है अध्ययन करती है रिलेशनशिप का कि इकोनॉमी में की इकोनॉमी की ग्रोथ और पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं या किस तरीके से एक दूसरे से संबंध रखते हैं.
वेगनर का जो हाइपोथेसिस है, वेगनर ने जर्मनी में पब्लिक एक्सपेंडिचर की स्टडी करने के बाद ये लिखा था कि डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट टाइम की स्टडीज हमें ये बताती हैं कि सभी तरह की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, उनके कार्यों में जो है वो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों तरह की वृद्धि होती है। अब आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इनसे उनका क्या तात्पर्य था। देखिए, वेगनर ने पब्लिक एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। जिस समय मैंने आपको फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस बताए थे या रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी या फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनली जो है गवर्नमेंट के तीन काम बताए गए थे। कौन से तीन काम बताए गए थे? पहला काम इनका बताया गया था एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब है कि किसी भी गवर्नमेंट को जो सबसे पहला काम करना होता है वो देश की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना या अपने सिटीजन्स की सुरक्षा करना होता है। दूसरा काम जो होता है वो इंटरनल सिक्योरिटी होता है, यानी कि अपने देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ये इनका दूसरा काम होता है। आप इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की तरफ अगर आप जाते हैं तो देखिए, पहले जो था ये इन दोनों ही कामों में एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली वृद्धि हुई है। एक्सटेंसिवली का क्या मतलब है? एक्सटेंसिवली का मतलब है कि पुराने जमाने में जो हमारे युद्ध थे वो लड़े जाते थे थल सेना के थ्रू, यानी कि तीर, तलवार, घोड़े, हाथी, तोप, गन, इसके द्वारा। लेकिन आजकल जो हथियार लड़े जा, आजकल हमें केवल थल सेना यानी अपनी केवल जमीन की सुरक्षा ही नहीं करनी पड़ती, आजकल हमारे ऊपर आक्रमण कहीं से भी हो सकता है, एयर अटैक भी हो सकता है, हमारे ऊपर समुद्री आक्रमण भी हो सकता है, जैसे कि 2008 में हुआ था। ऐसे केस में आज के टाइम में गवर्नमेंट के एक्सटेंसिव कामों में वृद्धि हुई है। एक्सटेंसिव कामों में वृद्धि किस तरीके से हुई है कि गवर्नमेंट को जो है वो गवर्नमेंट को जो है अपनी न केवल थल सेना चाहिए, न केवल जमीन की सुरक्षा करनी है, बल्कि जल सीमाओं से भी सुरक्षा करनी है, एयर से भी सुरक्षा करनी है। आजकल का युद्ध जो है वो मिसाइल से लड़ा जाता है, रडार से लड़ा जाता है, तो इंटेंसिव वृद्धि होना भी बहुत जरूरी है। आज हमें तीर, तलवार, भालों से युद्ध नहीं लड़े जाते, आज की जो जरूरत है वो है इंटेंसिव, जिसमें कि मिसाइल चाहिए आपको, रडार चाहिए, बड़े बड़े युद्ध पोत चाहिए आपको, रफेल विमान भी चाहिए आपको, तेजस भी चाहिए। डेफिनेटली इन सबको खरीदने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जो चैलेंजेस एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में है वही इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में है। पुराने जमाने में हमें इंटरनल सिक्योरिटी में केवल चोर और डाकुओं से रक्षा करनी होती थी। अभी नया चैलेंज गवर्नमेंट के सामने है, सबसे बड़ा साइबर क्राइम। हम और आप सब डिजिटल युग में हैं, डिजिटल युग में साइबर क्राइम हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में इंटरनल सिक्योरिटी न केवल हमें उनके घरों को बचाना है, उनकी प्रॉपर्टी को बचाना है, बल्कि उनके बैंक खातों को, बल्कि उनकी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी हमें जो है वो सेव करना है, और हमें उन्हें साइबर क्राइम से भी बचाना है। तो ऐसे केस में नेचुरली है कि इंटरनल सिक्योरिटी के आयाम न केवल एक्सटेंसिवली बढ़ते हैं बल्कि इंटेंसिवली भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में जो है गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ना या पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ना बहुत स्वाभाविक है, और यही बात एडॉल्फ वेगनर भी कहते थे। इसी तरह वो कहते थे कि किसी भी देश की कल्चरल और वेलफेयर एक्टिविटीज, इन सब में भी जो है एक्सपेंडिचर में लगातार वृद्धि होती है, और इसमें भी एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली दोनों वृद्धि होती है। अब इसमें कैसे वृद्धि होती है? सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं एजुकेशन का। पुराने जमाने में गवर्नमेंट ने जब 1990s में लिटरेसी अभियान चलाया तो ये केवल यहाँ तक सीमित था कि व्यक्ति साक्षर होना चाहिए, यानी कि बस उसे अपना नाम लिखना आ जाए और हस्ताक्षर करने आ जाए तो हम उसे लिटरेसी लेवल मान लेते थे। लेकिन 2009 तक आते आते ये लिटरेसी लेवल हमारा राइट टू एजुकेशन में कन्वर्ट हो गया। राइट टू एजुकेशन का मतलब कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को हमें प्राइमरी शिक्षा देना अनिवार्य है, और उसे राइट टू एजुकेशन हमने दिया। नेचुरली इस राइट टू एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बच्चों के लिए गवर्नमेंट का खर्चा तो बढ़ेगा ही। पुराने जमाने में हमारे सामने टारगेट था स्कूलों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो हमारा खर्चा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर। 1986 में हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करते थे, लेकिन आज आप देख रहे हो कोरोना वायरस आ गया है, आजकल सारी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है। तो अब हम जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं बच्चों को, कि बच्चों को स्मार्टफोन कैसे प्रोवाइड कराया जाए, बच्चों को टैबलेट कैसे प्रोवाइड कराया जाए,
आज हर स्कूल में हमें ब्लैक बोर्ड नहीं लगाना, आज हमें हर स्कूल में डिजिटल क्लास खोलनी है, क्योंकि ये आज कोरोना महामारी आई है, कल को कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे बच्चे बहुत रिमोट्स में बैठे हुए हैं, ऐसे केसेस में जो है नेचुरली है कि हमारे बच्चों के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे सामने केवल यही प्रॉब्लम नहीं है कि हमें बच्चों को एजुकेशन देनी है, बल्कि अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के इस एरिया में एक्सटेंसिव खर्चा हुआ कि हमें स्कूलों का दूर दूर तक विस्तार करना है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन देना है, हर 6 से 14 साल के बच्चे को हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इंटेंसिव वृद्धि एजुकेशन में कहाँ हुई कि न केवल हमें ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड और फिजिकल फैसिलिटीज स्पोर्ट्स रूम स्कूलों में बनाने हैं, बल्कि आज हमें डिजिटल क्लासरूम हर स्कूल में बनाने हैं, हमें हर बच्चे को टेक सावी बनाना है, हमें हर बच्चे को जो है स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, इन सबसे जो है इन सबको प्रोवाइड करना है, विद डेटा प्रोवाइड करना है, प्लस उन्हें ये चीजें चलानी भी सिखानी है, ताकि वो अपनी एजुकेशन को घर बैठे हुए ऑनलाइन भी पूरा कर सकें। तो नेचुरली है कि अगर आप बच्चों को ये सब चीजें प्रोवाइड कराएंगे तो गवर्नमेंट का खर्चा तो बढ़ेगा ही, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और यही बात ये थ्योरी कहती है कि अगर जो है ये सब होता है तो गवर्नमेंट के खर्चों में एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली दोनों तरह की वृद्धि होती है। और ये बात आज समझ लीजिए, आज हम 2021 में हैं, 140 साल पहले एडोल्फ वेगनर ने हमें कही थी। इसलिए उन्होंने ये बोला कि जो इनकम इलास्टिसिटी होती है गवर्नमेंट सर्विसेज की, वो मोर देन वन होती है। मोर देन वन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है या किसी भी कंट्री का ग्रोथ होता है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो पर कैपिटा आउटपुट के मुकाबले बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, और गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट की सर्विसेज बड़ी तेजी के साथ जो है वो आउटपुट के साथ बढ़ती हैं, और एकदम जो है ये मोर देन वन हो जाती हैं। इसके अलावा जो है वेगनर ने अदर फोर्सेस को भी आइडेंटिफाई किया जो कि पब्लिक सेक्टर एक्टिविटी की डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करती हैं, और जिसकी वजह से जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती है। उन्होंने कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, पहले वो फैक्टर आइडेंटिफाई किए जो कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों को इफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहला आता है पर कैपिटा इनकम और वेल्थ। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब है कि जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है या आम पब्लिक की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और वेल्थ बढ़ता है, तो उसकी एस्पिरेशंस भी बढ़ती हैं, वो ज्यादा स्टैंडर्ड चीजों की डिमांड करने लगता है। पहले आप रेल के जर्नल डिब्बे में भी जाके खुश होते थे क्योंकि रेलवेज बहुत कम थी, लेकिन आज के जमाने में जब पर कैपिटा इनकम आप लोगों की इंक्रीज हो चुकी है तो कोई भी पर्सन जो है एसी के डब्बे से नीचे जाना चाहता ही नहीं है। नेचुरली अब हर एक को अगर जर्नल डब्बे की बजाय एसी का डब्बा प्रोवाइड करना है तो गवर्नमेंट के खर्चों में इंक्रीज तो होगा ही। इसी तरह जो है डेंसिटी एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जैसे किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ती है और डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेफिनेट जो है कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की डिमांड उस देश में बढ़ेगी, वहां पर जो है रोड्स, हॉस्पिटल, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। अब जब रोड्स, हॉस्पिटल ये सब हम ज्यादा बनाएंगे, हमें फ्लाईओवर्स बनाने पड़ेंगे, हमें मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट चलाने होंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि किसी भी गवर्नमेंट की जो है वो खर्चों में वृद्धि होगी और पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि होगी। इसके बाद एडोल्फ विग्नर ने अदर फैक्टर्स में ये आइडेंटिफाई किया कि डिमांड साइड पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं और सप्लाई साइड में कौन कौन से होते हैं। तो डिमांड साइड में जो उन्होंने फैक्टर्स बताए वो बताए, सबसे पहला था अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेगनर का ये कहना था कि जैसे जैसे किसी भी देश में अर्बनाइजेशन होता है, यानी कि शहरीकरण होता है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण होता है, तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता चला जाता है। आपको अच्छी तरह पता है कि अर्बनाइजेशन की वजह से शहरों में बहुत सारी सुविधाएं चाहिए क्योंकि छोटे से एरिया में बहुत बड़ी जनता निवास करती है और इन सबको अर्बनाइज फैसिलिटीज चाहिए। तो डेफिनेटली इन सबको अर्बनाइज फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इंडस्ट्रियलाइज होते हैं, अर्बनाइज होते हैं, तो एक तरह की डिस्पैरिटी ऑफ इनकम सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है। जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम क्रिएट हो जाता है तो विकास की इस धारा में जो पीछे लोग छूट जाते हैं उनके साथ जो है वर्क करने के लिए या उनके साथ काम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अर्बन जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च करती है या पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, जिससे कि
वो जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के थ्रू ये काम कर सके और लोगों को जो है ये चीजें प्रोवाइड कर पाए। इसके अलावा लिटरेसी लेवल ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन का लिटरेसी लेवल बढ़ता है, पॉपुलेशन का एजुकेशन लेवल बढ़ता है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं, लोग जो है स्टैंडर्डाइज चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं, और इन स्टैंडर्डाइज चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ता है या पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर जो एडोल्फ वेग्नर ने बताया वो था एज कम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। आपके देश में एज कंपोजिशन क्या है पॉपुलेशन का, इस पे भी डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा। अगर किसी देश के अंदर जो है ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, या किसी देश के अंदर जो है वो बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उस देश में होने वाला पब्लिक एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके ऊपर खर्चा ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में आपको खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा। एक और चीज है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि अल्टरनेटिव प्राइवेट सर्विसेज जो हैं, जो कि डिमांड को पूरा कर रही हैं, वो आपके पास कितनी अवेलेबल हैं। अल्टरनेटिव प्राइवेट सर्विसेज का क्या मतलब हुआ, सपोज कीजिए जैसे कि समय कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी की वजह से जो है आपको हेल्थ सर्विसेज चाहिए, हर आदमी को हेल्थ सर्विसेज चाहिए, तो आपके देश में अल्टरनेटिव हेल्थ सर्विसेज कितनी हैं। अगर मान लीजिए गांव में प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज बिल्कुल नहीं हैं और सब लोग गवर्नमेंट पे डिपेंडेड हैं, नेचुरली गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट सर्विसेज हमें अवेलेबल हैं तो ये हम कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो फैक्टर जो सप्लाई साइड को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में एडोल्फ वेग्नर ने बताया कि वो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इंटर गवर्नमेंट ग्रांट उसे किस तरीके से प्रोवाइड होती है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना डिपेंड करेगा। अगर हम इसी हाइपोथेसिस को जो है, अब वेग्नर की हाइपोथेसिस को अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें, तो आप देखिए डायग्रामेटिकली ये ओ एक्सिस है, ओ एक्सिस पर मैंने आपको रियल पर कैपिटा इनकम दिखाई है, और ये है आपका ओ वाई एक्सिस, ओ वाई एक्सिस पर रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड दिखाया गया है। मैंने आपको बताया था कि पीजी जो है यानी कि पर कैपिटा रियल इनकम जैसे जैसे बढ़ती है इकोनॉमी में, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, ये देखिए पीजी वन की रेखा को, पर कैपिटा इनकम हमारी जैसे जैसे बढ़ती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में होने वाली वृद्धि जो है उससे ज्यादा है। ये देखिए ये कर्व ऊपर जा रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के रूप में नहीं आ रहा है, इसका साफ साफ मतलब है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ ये कम नहीं हो रहा है, बल्कि ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी जो है वो हमारी मोर देन वन है। जब हम पीजी वन से पीजी टू की तरफ जाते हैं, यानी कि जब हम टाइम फैक्टर जो है, जो इसमें थर्ड डायमेंशन के रूप में लिया गया है, टाइम के साथ साथ देश का और ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, देश में और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, पर कैपिटा इनकम और बढ़ती है, तो नेचुरली ग्रोथ और उसके साथ गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए जो वेग्नर ने इक्वेशन दी है कि जो पीजी ए है वो पीजी जीरो का मतलब है कि अर्लियर टाइम के ऊपर, और पीजी ए का मतलब है करंट टाइम के ऊपर, तो पीजी ए और पीजी वन जो इक्वल था, ये बाद में जाकर के पीजी ए जो है ग्रेटर हो जाता है, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी जो है हमारी मोर देन वन हो जाती है, जिसकी वजह से पीजी ए अपॉन वाई ए ग्रेटर देन है पीजी ओ वाई जीरो के बराबर। ये इनका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है और ये इनका इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेनेशन है। अब आता है कि वेग्नर का लॉ क्या अप्लाई होता है और इसके एप्लीकेशन होने के क्या कारण है। तो एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए कि वेग्नर का लॉ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज के टाइम में भी 140 साल पहले ये लॉ दिया गया था, लेकिन आज भी ये उतना ही सही साबित होता है जितना तब 140 साल पहले वेग्नर ने इसे डेटा के थ्रू शो करके दिखाया था। प्रोफेसर नीति ने एक एम्पेरिकल स्टडी की, और एम्पेरिकल स्टडी करने के बाद उन्होंने डिफरेंट देशों की एक्सपेंडिचर ट्रेंड की, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है उनकी स्टडी करके ये पता लगाया कि वेग्नर का लॉ जो है न केवल जर्मनी में बल्कि विभिन्न देशों की सरकारों के ऊपर अप्लाई होता है, हालांकि उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। और अप्लाई होने के कारण क्या है, इसको अगर हम कारण में देखें तो सबसे पहला कारण जो आता है कि गवर्नमेंट के फंक्शन जो हैं आजकल ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और एक्सटेंसिव हो गए हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स कैसे हो गए हैं और एक्सटेंसिव कैसे हो गए हैं। कॉम्प्लेक्स जैसे कि आज की तारीख में
हम लोग केवल रेलवे से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आजकल हमें मेट्रो चाहिए, आजकल हमको मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट चाहिए, आजकल हमको ट्रैम्स चाहिए, आजकल हमको रोडवेज चाहिए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ट्रेडिशनल फंक्शनल न केवल कॉम्प्लेक्स हुए हैं बल्कि एक्सपेंसिव भी हो गए हैं। अभी मैंने आपको डिफेंस का एग्जाम्पल देके बताया कि डिफेंस में ही आप देखिए कि डिफेंस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में कितने चैलेंजेस आ गए। पहले जहाँ केवल आपको चोर उचक्कों से सुरक्षा करनी थी अपनी जनता की आंतरिक रूप से, आज आपको साइबर क्राइम से सुरक्षा करनी है, आज आपको उनको डिफरेंट तरीके से सुरक्षा प्रदान करनी है, मोबाइल स्नैचर, चेन स्नैचर, इन सब से भी सुरक्षा करनी है। एक्सटर्नली देखिए, अब हमें केवल थल सेना रखने से काम नहीं चलेगा, अब हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक भी हो सकती है, हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है। जल थल और नभ तीनों सेनाओं को आपको तैयार रखना होगा, एक्सटेंसिवली भी और इंटेंसिवली भी, क्योंकि किसी भी तरह के क्राइम से आपको तैयार रहना होगा। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसका विस्तार होता है, जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ना केवल एक्सटेंसिवली बल्कि इंटेंसिवली, क्योंकि आपको सारे रिकॉर्ड भी मेंटेन रखने हैं, आपको उस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट भी करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था, जो गवर्नमेंट का ट्रेडिशनल फंक्शन है, सोशल और वेलफेयर एक्टिविटीज। आजकल आपको पता है कि आजकल हम पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। वेलफेयर स्टेट जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होने की वजह से वहां पर जो है रोज नित्य नए काम गवर्नमेंट के पास आते रहते हैं, और हर गवर्नमेंट ये साबित करने पर लगी रहती है कि वो जो है वो दूसरी गवर्नमेंट से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। तो आजकल हमें वेलफेयर एक्टिविटीज में पेंशन भी देनी है, हमें जो है एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, हेल्थ भी देनी है। अभी कोरोना महामारी के टाइम इस समय जो चल रहा है वो है कि पूरी 130 करोड़ की जनता का आप वैक्सीनेशन कैसे करेंगे, ये अनदर चैलेंज है। इस साल आपका खर्चा डेफिनेटली बढ़ गया। एजुकेशन के क्षेत्र में नया चैलेंज आपके सामने आ गया कोरोना के टाइम। अब तक आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और फिजिकल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना था स्कूलों में, आज आपको ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने हैं, ऑनलाइन क्लासेस बनानी है, हर स्कूल कॉलेज में टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है उस लेवल पे जाकर के। तो डेफिनेटली आपके खर्चों में न केवल इंटेंसिवली बल्कि एक्सटेंसिवली वृद्धि हो गई, गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बात हर सोशल और वेलफेयर एक्टिविटी पर लागू होती है। तो ये तो आपके ट्रेडिशनल फंक्शन बढ़े जिसकी वजह से किसी भी देश का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा, इसके अलावा जो है आपके नए नए काम रोज आ जाते हैं गवर्नमेंट के पास। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, नई नई चीजों का आविष्कार होता है, नई नई चीजें आती हैं। देखिए, पुराने जमाने में हमारे घर में पाइप वाटर सप्लाई करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी। अब मैक्सिमम घर गांव के जो है वो नदियों के किनारे बसते थे, लोग नदियों से पानी लाते थे या कुओं से पानी लाते थे और कुएं खोदा करते थे। लेकिन आजकल पाइप्ड वाटर आपके घर में आता है। पाइप्ड वाटर ही नहीं पहुंचाना है बल्कि आपको पानी को साफ करके पीने लायक पानी लोगों को तक पहुंचाना है। उसके अलावा पानी पहुंचाना ही नहीं है, वाटर आपके घर से ड्रेन कैसे होगा, और ड्रेन करने के बाद अगर वो गंदा पानी नदी में ना मिल जाए, नदी पोल्यूटेड ना हो जाए, तो इस गंदे पानी को आप वापस कैसे साफ करोगे और वापस कैसे सर्कुलेशन में लेकर आओगे, ये अनदर चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने। तो नए नए फंक्शन रोज, आज आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, आज आपको ई वेस्ट मैनेजमेंट करना है, आपको प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना है, नए नए फंक्शन आपके पास आ रहे हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग बनानी है क्योंकि हर आदमी को रहने के लिए घर देना है। पब्लिक हेल्थ का नए काम है, जैसे कि इस साल सबसे बड़ा 2021 में गवर्नमेंट के पास काम होगा कि अपनी 130 करोड़ की जनता का वैक्सीनेशन आप कैसे करोगे कोरोना वायरस के अगेंस्ट। आपको इंश्योरेंस देनी है, पेंशन देनी है, तो ये सारे काम जो है आपके सामने आ जाते हैं। इसी तरह न केवल नए काम आए, पुराने फंक्शंस का आपका विस्तार हुआ, न केवल नए काम आए बल्कि आपके सामने जो है इसमें और भी काम आया कि आपका जो पब्लिक गुड्स का स्फीयर है वो जो है वो आपका बढ़ जाता है। जैसे कि आपको नए नए मेट्रो चाहिए, नई नई फ्लाईओवर्स चाहिए, मेंटेनेंस करना है पार्क का, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, ये सब प्रोवाइड करनी है, तो पब्लिक गुड्स का एरिया बहुत एक्सपैंड कर जाता है। डेफिनेटली जब ये एक्सपैंड करता है तो नेचुरली है कि गवर्नमेंट के काम बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट के काम बढ़ेंगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो जो वेगनर बात कह रहे थे 140 साल पहले कि गवर्नमेंट के कामों में लगातार वृद्धि होती है, इंटेंसिवली भी और एक्सटेंसिवली भी, जिसकी वजह से जो है हर देश का पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता है और वो घटता नहीं है। इसलिए जो है विग्नर का लॉ आज भी अप्लाई होता है।
लेकिन इसके बावजूद भी वेगनर के लॉ में कुछ कमियां बताई गई हैं, स्पेशली जो कमियां हैं वो पीकॉक वाइसमैन ने खोजी थी और उन्होंने बताई थी। इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस को लैक करता है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको जितने भी फैक्टर्स पीछे गिनाए थे, डिमांड साइड के, सप्लाई साइड के, डिमांड और सप्लाई साइड के, वो केवल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा सोसाइटी में बहुत सारे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वेगनर का सिद्धांत उनको इंक्लूड नहीं करता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम पॉलिटिकल फैक्टर्स में लेते हैं, जैसे कि आजकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो बार बार चुनाव होते हैं। हमारे देश में 28 राज्य हैं, अब 28 राज्य हैं, हर 5 साल में चुनाव होगा तो डेफिनेट आप मान के चलो कि हर साल 6 राज्यों में चुनाव लगभग लगभग होता है, और एक बार 5 साल में आपका लोकसभा का भी चुनाव होता है। जब भी चुनाव होगा तो मैसिव खर्चा गवर्नमेंट का उन चुनावों को कराने में होता है। नेचुरली होता है कि जिस साल चुनाव होंगे उस साल गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन वेगनर का सिद्धांत जो है वो इन पॉलिटिकल फैक्टर्स को या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को या सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स को अब इनमें इंक्लूड नहीं करता है, ये केवल इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंक्लूड करता है। दूसरी कमी जो इस सिद्धांत की है वो है कि ये जो सिद्धांत है ये केवल उन चीजों को इंक्रीज करता है कि उन कंडीशंस को इंक्लूड करता है जिनमें कि गवर्नमेंट के खर्चे इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन उन कंडीशंस को इंक्रीज नहीं करता जिसमें अचानक से भी गवर्नमेंट के खर्चे इंक्रीज हो सकते हैं। अचानक से, जैसे कि इस साल कोरोना वायरस आ गया, कभी वॉर आ जाए, अब कोरोना वायरस की वजह से अचानक से गवर्नमेंट के खर्चे बहुत इंक्रीज हो गए जो हमने सोचे भी नहीं थे, क्योंकि सबको पीपीई किट चाहिए, सबकी टेस्टिंग करानी है, हमें 10-15 लाख टेस्ट रोज कराने हैं, हमें उसके अलावा हर आदमी को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, दवाइयां देनी है, इंजेक्शंस देने हैं, आपकी बार कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपको वैक्सीन देनी है, तो डेफिनेटली ये खर्चा ऐसा है जो अचानक आया हुआ खर्चा है, लेकिन इसको जो है वेगनर का सिद्धांत अपने में शामिल नहीं करता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिसको ये विग्नर नहीं मानते वो है कि शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि कभी कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो है गवर्नमेंट अपने खर्चों को रिड्यूस कर दे, बजाय बढ़ाने के गवर्नमेंट अपने खर्चों को रिड्यूस कर दे और उस समय जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका डिक्रीज कर जाए। लेकिन ये बात करते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर हमेशा इंक्रीज ही करता है, कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता। इसी तरह ये लॉ जो है वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को नहीं बताता कि अगर इतना कितना एक्सपेंस बढ़ेगा और उसकी रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगी, रेट ऑफ इंक्रीज किस तरीके से होगा और कितना एक्सपेंस बढ़ेगा, इसके बारे में ये सिद्धांत मौन रहता है। तो ये कुछ कमियां हैं इस सिद्धांत की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि ये सिद्धांत आज की डेट में भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। 140 साल बीत जाने के बावजूद भी ये एक लॉन्ग टर्म टेंडेंसी को बताता है और ये बिल्कुल फूल प्रूफ हो चुका है। डिफरेंट कंट्रीज में स्टडी की जा चुकी है और डिफरेंट इकोनॉमीज पे स्टडी की जा चुकी है कि हर बार गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो इंक्रीज ही करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज ही करता है, और जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी ग्रो करेगी या उसमें डेवलपमेंट होगा तो होने वाला पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ भी उसमें ज़्यादा होगी और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी उसमें ज़्यादा होगा और इनकम इलास्टिसिटी भी जो है वो आपकी मोर देन वन होगी, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो है पर कैपिटा इनकम के मुकाबले तेजी के साथ बढ़ेंगी। तो इस तरीके से जो है ये सिद्धांत जो है आपको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड के बारे में बताता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि क्यों, कैसे और किस प्रकार से होती है और ये क्या ट्रेंड शो करता है।